गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया हफ्ता चालू हो चुका है तो ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज का एक और नया फेस एपिसोड है। बहुत सारे कमाल के न्यूज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिए। चलिए अपना सबसे पहला न्यूज आ रहा है नेशनल न्यूज असम की तरफ से। असम गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि हम लोग जनवरी 1 तारीख से एलिमेंट्री स्कूल यानी कि नर्सरी से लेके क्लास 6 के बच्चों के लिए सारे स्कूल्स ओपन कर देंगे और कॉलेजेस 10 क्लास और 12 क्लास के हॉस्टल को हम लोग पार्शियली ओपन करने वाले हैं। जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए हॉस्टल को ओपन किया जाएगा। असम में अगर आप लोग देखोगे तो कोरोना वायरस कंट्रोल में है, धीरे धीरे कम होते जा रहे केसेस, और भी जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के उसमें कोरोना सेकेंड टाइम के लिए अटैक कर रहा है, लेकिन असम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे यही पता लगता है कि धीरे धीरे असम में कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है। और इसी के लिए असम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जनवरी 1 तारीख से हम लोग धीरे धीरे अपना एजुकेशन प्रोसेस जो है उसको चालू करने वाले हैं। अगली खबर आ रही है भोपाल की तरफ से। भोपाल में दोस्तों कल का पेट्रोल का रेट था 90.05 रुपीस, 90 रुपए का मार्क को पेट्रोल ने क्रॉस कर लिया, और डीजल का प्राइस था 80.10 रुपीस। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना था कि धीरे धीरे अभी डिमांड बढ़ रहा है, लॉकडाउन था सब लोग घर में थे, कोई गाड़ी या फिर बाइक लेके नहीं निकलता था, लेकिन धीरे धीरे जो लॉकडाउन के रूल्स रिलैक्स हो रहे हैं उससे सब लोग अभी घर से निकालना चालू कर रहे हैं, तो पेट्रोल और फ्यूल तो चाहिए रहेगा, इसलिए डिमांड बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग देखोगे मध्य प्रदेश में स्पेशली जो वैट है वो दूसरे स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा है, पेट्रोल के लिए 39% और डीजल के लिए 28% वैट लगा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल का रेट भोपाल में है, तो 90 रुपीस का मार्क को भी अभी पेट्रोल भोपाल में क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र के बीएमसी ने दोस्तों एक नया स्टेप लिया है। उनका कहना है कि अगर हमको पब्लिक प्लेस में कोई भी दिखे जो कि बिना मास्क पहने घूम रहा है तो हम उसको 200 रुपए फाइन करेंगे, उसके बदले में उनको हम फ्री में एक मास्क भी प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, इससे पहले वो लोग सिर्फ फाइन इकट्ठा करते थे, फिर में मास्क नहीं प्रोवाइड करते थे। बीएमसी का कहना है कि ऑलरेडी अब तक 4,80,000 लोगों से हम फाइन इकट्ठा कर चुके हैं, 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हम लोग फाइन के तौर पे बिना मास्क पहनने के लिए उठा चुके हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो भी बिना मास्क पहने पब्लिक प्लेस में घूमेगा उनको 200 रुपए फाइन देना पड़ेगा और उनको हम लोग फ्री में एक मास्क प्रोवाइड किया करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज अरे टेक न्यूज इंटरनेशनल न्यूज उतना खास नहीं है। सबसे पहला न्यूज तो फौजी की तरफ से आ रहा है। फौजी गेम जो कि नवंबर में लॉन्च होने वाला था ऑफिशियली दोस्तों वो प्ले स्टोर में आ चुका है, लेकिन आप लोग उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसको जल्दी आप लोग इंस्टॉल कर पाओगे अभी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, प्री रजिस्टर का ऑप्शन उधर दिया गया है। फौजी गेम में जाने का प्री रजिस्टर करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप लोग जा सकते हो प्री रजिस्टर कर सकते हो। तो जो एनकोड गेमिंग आपको बता रहा था नवंबर में हम लोग फौजी गेम को लॉन्च कर देंगे वो जल्दी लॉन्च हो जाएगा। और पबजी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आ रहा है, जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आता मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। तो आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, इतना सारे न्यूज आया फौजी को लेके पबजी को लेके, आप लोग कमेंट टैब में जाइए, मैं एक पोल रख देता हूं कि क्या आपको लगता है पबजी मोबाइल 2020 में इंडिया में कमबैक कर पाएगा या फिर 2021 में कमबैक करेगा, यह चीज आप लोग मुझे अपने वोट के जरिए जरूर से बताना। अगली खबर आ रही है मोटो जी की तरफ से। दोस्तों इंडिया में मोटो जी 5G फोन लॉन्च हो गया है, ये फोन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। 5G फोन आपको सिर्फ मिलेगा 21,000 रुपए में, इसका बेस वेरिएंट 6GB 128GB वाला आपको सिर्फ 21,000 रुपए में मिल जाएगा। ये फोन आपको 6.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले के साथ में आएगा और इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। तो मोटो जी 5G फोन का प्राइस भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, आप लोग इसे जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट में दोस्तों आज से एक सेल चालू हो रहा है, इसका नाम होगा फ्लिपस्टार्ट और ये सेल चलेगी 3 दिसंबर तक। जी हाँ, अगर आपके पास फेडरल बैंक या फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का कार्ड होगा तभी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, उम्मीद है आपके पास नहीं होगा क्योंकि बहुत ही स्मॉल बैंक से ये, तो आप लोग फ्लिपकार्ट में जा सकते हो, 80% तक का ये लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर आपको कुछ खरीदना है 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको जरूर से फ्लिपकार्ट से मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज आर स्पोर्ट्स न्यूज। डेविड वार्नर दोस्तों, तो कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ODI खेला जाएगा, फिर T20 सीरीज खेला जाएगा, उससे रूल आउट हो चुके हैं। सेकेंड ODI के दौरान फील्डिंग करते वक्त उनको चोट आई और चोट काफ़ी गंभीर थी,
तो सीधा डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलिया ने रूल आउट कर दिया है। टेस्ट सीरीज जो होने वाला है उसके लिए उनको सेव करके रख रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जो चोट उनको लगी है वो और भी गंभीर बन जाए, इसलिए डेविड वार्नर को अभी रिप्लेस करेंगे डार्सी शॉर्ट। और ये इंडिया के लिए खुशखबरी हो सकता है क्योंकि डेविड वार्नर फॉर्म में नजर आ रहे थे, दो जो मैच खेले उसमें दोनों में ही 50 से ज़्यादा रन बनाए। तो डेविड वार्नर ओपनिंग बैट्समैन जो कि काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे थे, अभी T20 सीरीज और बाकी जो एक वनडे मैच है उससे रूल आउट हो चुके हैं। अगली खबर आ रहा है क्रिस लिन की तरफ से। क्रिस लिन ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जो कि रिसेंटली क्लब मैच खेले और एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिए, एक ही मैच में 20 छक्के मार दिए। जी हाँ, सिर्फ 38 गेंद में 100 रन बनाए। क्रिस लिन आपको याद दिला दूं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में थे, एक भी मैच खेलने का उनको मौका नहीं मिला, लेकिन रिसेंटली वो एक क्लैब मैच खेले जहां पे उन्होंने 55 गेंदों में 154 रन स्कोर किए। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट के सेक्शन से, सुपरस्टार रजनीकांत मंडे को अपने चेन्नई में सपोर्टर के साथ में एक मीटिंग की है और उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स में वो एंट्री करेंगे कि नहीं वो जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि रजनीकांत अगर चेन्नई में पॉलिटिशियन बन गए तो कितने सारे वोट्स मिलेंगे उनको, क्योंकि सिर्फ चेन्नई में नहीं पूरे इंडिया में वो एक सुपरस्टार है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज आ रहा है सनी देवाल, बॉबी देवाल और करण देवाल को लेके। जी हाँ, 2007 में एक फिल्म था अपने जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, तो उसी का एक सीक्वल बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा अपने 2, जिसका शूटिंग चालू हो जाएगा दिवाली 2021 में। ये फिल्म सिनेमा में आ जाएगी और इस फिल्म में आपको धर्मेंद्र, सनी देवल, बॉबी देवल और सनी देवल के बेटे करण देवल आपको एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। चलिए, मुझे बहुत पसंद आएगा, मिलते हैं तब तक के लिए खुश रहिएगा।